हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आज आपका इस क्लास में, इस वीडियो चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संविधान विशेषज्ञों ने काफ़ी सोच समझकर संविधान की रचना किया था, और संविधान के निर्माण के दौरान ही उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि आने वाले समय में जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव होंगे, देश विदेश की जो घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, संबंध हैं, उसमें बदलाव होगा, उसके परिप्रेक्ष्य में इस संविधान को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, इसको जीवंत बनाने के लिए संविधान संशोधन जैसी प्रक्रिया को शामिल किया जाना अति आवश्यक था। अतः भारतीय संविधान के भाग 12 भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। और फ्रेंड्स, यह भी जानना है, क्वेश्चन इससे भी आता है कि भारतीय संविधान का यह भाग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, मतलब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ऐसा माना जाता है, प्रश्न भी इससे आते हैं। आगे भारतीय संविधान का जो संशोधन होता है उसकी तीन प्रक्रियाएं हैं, तीन तरह का प्रोसेस है। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा विशिष्ट बहुमत द्वारा, और तीसरा विशिष्ट बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन या उनकी स्वीकृति के द्वारा। यहाँ यह ध्यान रखना है, संविधान संशोधन की जो बात हम लोग करते हैं, यह संविधान संशोधन वास्तविक अर्थों में इन दोनों को ही माना जाता है, विशिष्ट बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, इसको संविधान संशोधन माने जाते हैं। जबकि ये जो साधारण बहुमत का है, इसको संविधान संशोधन नहीं माना गया, फिर भी संविधान संशोधन है। हालांकि हम लोग संविधान संशोधन उसी को मानते हैं जिसमें विशिष्ट बहुमत का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अब आगे इसको बढ़ने के पहले हमें जानना है कि हमें इस चैप्टर को समझने के लिए या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना है, कैसे पढ़ना है। तो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहां आपको तीन बातों पर ध्यान देनी है, केवल तीन बातें हैं। पहला, कॉमन फैक्ट्स, सामान्य तथ्य हैं जो आपको जानने हैं। दूसरा, विधेयकों की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बिल, किस प्रकार से बिल पास होगा। और तीसरा, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर है कि किस किस सब्जेक्ट का संशोधन इन तीनों प्रक्रियाओं में से अलग अलग होगा, इसकी जानकारी होनी है। तो सबसे पहले बेसिक फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला इसमें ध्यान रखना है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल और केवल भारतीय संसद में प्रारंभ की जा सकती है। राज्यों के विधायिका को इस संबंध में किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर कोई पावर नहीं है। दूसरा, संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को छोड़कर संसद किसी भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ भी आपको यह भी जानना है, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। और अभी वर्तमान समय में यह प्रावधान है कि भारतीय संसद मूल ढांचे में परिवर्तन संशोधन नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है कि यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। नेक्स्ट है, यह किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्य का सेंस यहाँ है सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, मतलब कोई मंत्री होंगे वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई आम सदस्य होंगे वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, पक्ष का होगा वो भी प्रस्तुत कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, किसी भी संविधान संशोधन को दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। यहाँ पर संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और जब दोनों सदनों से पारित होकर यह बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उनको साइन करना ही करना है, इस विधेयक को वह नहीं लौटा सकते, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो मुझे यह बताना यहाँ आवश्यक है कि आपको बेसिक फैक्ट्स के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जानने से प्रश्न आते हैं। दूसरा क्या है,
दोनों सदनों में विधेयक को पारित होने की क्या प्रक्रियाएं हैं, तो प्रक्रिया को आपको समझने की जरूरत है। तो पहला है, पहली प्रक्रिया की बात हम लोग करें तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, जैसा कि हमने ही बताया कि दोनों सदनों में से किसी भी विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीन पार्ट है विधेयक का, विधेयक को पास करवाने के लिए। अब यहां हमको देखना है कि विधेयक, संशोधन विधेयक किसी भी सदन में से लोकसभा में लाया जा सकता है, और यहां से साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से इसको पारित करवाया जाना होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सदन में जो उपस्थित लोग हैं उनके और मतदान करने वाले लोगों का आधा से अधिक। फिर यह विधेयक दूसरे हाउस में जाएगा, यहां से बिल प्रस्तुत होगा, दिस इज बिल, इसको विधेयक बोलते हैं हम लोग। और यह बिल जब दूसरे हाउस में जाता है तो दूसरे हाउस में भी यहां पर विधेयक को, दूसरे हाउस में विधेयक को विचार करना है। अब दूसरे हाउस में जाने के बाद विधेयक अगर रिजेक्ट कर देता है, दूसरा हाउस अगर रिजेक्ट कर देगा तो बिल यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा सदन अगर इसको पारित कर देता है, यह राष्ट्रपति के सिग्नेचर ले जाएगा, राष्ट्रपति इस पे साइन करेंगे तो यह एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। तो दोस्तों यहां देखेंगे कि विधेयक इस तरह से एक हाउस में चलता है, यहां से पास होकर दूसरे हाउस में जाता है, दूसरा हाउस अगर इसको पास करता है तो यह प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से यह अधिनियम बन जाता है, मतलब यह विधेयक अधिनियम ऐसे बन जाता है, यहां पर संयुक्त अधिवेशन पर प्रावधान नहीं है। तो यह था आपका सामान्य बहुमत के द्वारा किए जाने वाले संशोधन, बाकी सारे प्रोसेस इस तरह से है। दूसरा, विशिष्ट सदन के विशिष्ट बहुमत के द्वारा पारित विधेयक। विशिष्ट बहुमत में यहां ध्यान रखना है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और वैसे अदर सब्जेक्ट यहां पर संशोधित किए जाएंगे, जो ये पहला प्रकार यहां पर ध्यान रखेंगे, ये पहला पॉइंट यहां पर है ये, और तीसरा जहां है विषय वस्तु, इन दोनों के सूची से अलग है, मतलब पहले प्रकार के संशोधन और ये तीसरे प्रकार के संशोधन से जो अलग विषय वस्तु है, जो शेष विषय वस्तु है उसका संशोधन दूसरे तरह से होगा। तो यहां देखिए, फिर से यहां मैं फिगर एक बनाना चाहूंगा, ये एक हाउस, दूसरा हाउस, यहां प्रेसिडेंट है, फिर यहां बिल ऐसे लाया जाएगा, विधेयक ये दूसरा प्रकार है, ये पहला था, ये बिल यहां लाया जाएगा किसी भी हाउस में, इसको मान लें फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, लोकसभा राज्यसभा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां से यह बिल पास जब होगा, यहां हमने क्या देखा, इस हाउस का 50% प्लस, मतलब इसके टोटल स्ट्रेंथ का 50%, यहां ध्यान देना है, यहां हमने बताया था 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना यहां उपस्थित लोग हैं, जैसे इतना लोग उपस्थित हैं तो इनका 50%, और यहां क्या है, टोटल हाउस का 50%, 50% ज्यादा, और प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों चीज याद रखना है। कहीं भी भारतीय संविधान में स्पेशल मेजोरिटी की बात आती है तो ये दोनों तथ्यों को साथ में रखना है। तो पहला हाउस जब इसको पास कर देता है दूसरे हाउस में जाएगा, अगर दूसरा हाउस जैसा पहले बताया था अगर उसको रिजेक्ट कर दिया तो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा और यह अधिनियम नहीं बन पाएगा क्योंकि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, और यह अगर पास कर देगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे तो यह एक्ट बन जाएगा। बस दोनों में डिफरेंसेज है केवल बहुमत का, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। तीसरा जो प्रोसेस हमारा है ये विशिष्ट बहुमत पर आधारित अधिक राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा, ये आप देखेंगे इसमें क्या होता है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, यहां प्रेसिडेंट है और यहां राज्य की विधायिका, यहां स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है ऐसे, यहां क्या होगा, विधेयक ऐसे आता है, बिल
संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, फर्स्ट हाउस ने इसको पारित किया। फर्स्ट हाउस इसी तरीके से पारित करेगा, कुल संख्या का 50% प्लस एंड प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको बार बार ध्यान में रखना है, और दूसरे हाउस में जाएगा। और दूसरा हाउस अगर इसको रिजेक्ट करता है तो बिल पास नहीं होगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। और यदि यह इसको स्वीकृत कर देता है, इसको अगर वो अप्रूव करता है तब यह राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने जाने के पहले यह राज्यों के पास जाएगा। यहां ध्यान रखना है, यह स्टेप, एक नया स्टेप यहां आ गया थर्ड वाले में, राज्यों के पास जाएगा और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। जैसे अभी आप जान रहे हैं कि भारत में 28 राज्य हैं और दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभाएं हैं, तो अगर राज्यों संबंधित ये कोई भी विधेयक लाया जाएगा, जैसे यहाँ विषय है राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली वगैरह वगैरह, एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र का, एग्जीक्यूटिव पावर राज्य का, उसमें कुछ चेंजिंग करने की बात आएगी, तो इसमें से आधे से अधिक राज्यों का समर्थन इसमें जरूरी होगा। जैसे एग्जाम्पल बता दूं कि पंचायती राज अधिनियम जब लाया गया था उसमें 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसको समर्थन दिया था, तो 17 राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन से यह पारित हुआ था। तो यहां से आधे से अधिक राज्यों का समर्थन जब मिलेगा तब यह विधेयक जाएगा कहां, राष्ट्रपति के पास। यहां से पहला, देखिए फिर से पहला हाउस विशेष बहुमत से पारित होगा, दूसरा हाउस, फिर यहां से जाएगा राज्यों के पास, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन मिलेगा तब यह जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे और यह एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट इसको रोक नहीं सकते हैं, यह ध्यान रखना है। तो यह था विदेश का इसका प्रक्रिया, जो हमने बताया था सामान्य जो तथ्य थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था, विधेयक प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया। प्रक्रिया ऑलमोस्ट एक जैसा है, केवल यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, यहाँ स्पेशल मेजोरिटी है, और तीसरा में स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन है, बाकी जो बातें थी सिंपल वो था। अब हम लोग आगे बात करते हैं विषय वस्तु की, कौन कौन से विषय साधारण बहुमत द्वारा संशोधित हो सकते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 2, 3, 4, मतलब जो संघ और राज्य की बात है, तो राज्यों के संबंध में जो प्रावधान है, नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन वगैरह वगैरह इनका है, यह आपका इस संविधान संशोधन के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा ही संशोधन हो सकता है। दूसरा है नागरिकता संबंधी प्रावधान, जो अनुच्छेद 5 से 11 है, नागरिकता के बारे में संविधान में संशोधन करना होगा, सामान्य बहुमत से ही होगा। तीसरा पॉइंट है अनुच्छेद 75 है, 97, 125, 2, 148 सीएजी का मामला है, 165, 221, 2, ये सारे वेतन भत्ते से रिलेटेड है, जैसे मंत्रियों का वेतन है, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति के वेतन भत्ते हैं, जजों का वेतन भत्ता है, मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता है, सारा यहाँ पर सीएजी का वेतन भत्ता है, ये सारा जो देख रहे हैं हम लोग वेतन भत्ते संबंधित मामले, ये सामान्य बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। तीसरा नेक्स्ट है अनुच्छेद 103, जिसमें कोरम है, गणपूर्ति, कोरम संसद या विधानसभा में गणपूर्ति की बात है, उसमें कैसे संशोधन करना होगा, तो साधारण बहुमत से होगा। फिर है अनुच्छेद 105(3) संसदीय विशेषाधिकार, जो संसदीय सदस्यों का जो विशेषाधिकार है, स्पेशल राइट है, प्रिविलेजेज है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना होगा, बढ़ाना घटाना, तो यह साधारण बहुमत के द्वारा ही होगा। फिर है सांसदों के वेतन भत्ते 106। इसके अलावा संसद की भाषा, अगर संसद की भाषा के बारे में किसी प्रकार के संशोधन की बात आती है, जैसे पहले था कि अंग्रेजी भाषा 15 वर्षों तक प्रचलित रहेगी, बाद में संशोधन करके बताया गया कि नहीं यह आगे चलती रहेगी, यह 120(3) में है और यह भी सामान्य बहुमत संशोधन होगा। सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या को भी सामान्य बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और उत्साधन 169(1), विधान परिषद का उत्साधन या सृजन की बात जो होगी वो सामान्य बहुमत से ही होगा। यहाँ यह ध्यान रखना है यह विधानसभा में ही इसका प्रस्ताव लाया जाता है, पहले विधानसभा से ही स्टार्ट होता है और इसके बाद यह जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, मतलब ये प्रक्रियाएं बाद में होंगी, पहले इसका उत्साधन या सृजन करने का, मतलब इसका निर्माण करने का या इसको हटाने का जो संकल्प होगा विधानसभा के द्वारा लाया जाएगा और फिर भी संसद को प्रस्तुत किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 230 यूनियन टेरिटरी के बारे में प्रावधान होगा, वो
और SC ST के प्रशासन क्षेत्र के प्रशासन अनुच्छेद 244 ये सारे प्रावधान सामान्य बहुमत से संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा ये तीसरा है यहाँ विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। यहाँ ध्यान रखना राज्यों की बात यहाँ आ रही है तो हमें यह दिमाग में रखना है, आप सबों को समझना है, इसमें वैसा ही मैटर होगा, निश्चित रूप से वैसा ही मैटर होंगे इसमें जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य के भी विषय शामिल होंगे। मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य का मैटर आता होगा। जैसे आप देखेंगे अब राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव प्रणाली है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के सभी चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। अगर इसमें कुछ चेंज करना होगा तो निश्चित रूप से विधानसभा राज्यों की बात आ जाती है, इसलिए अनुच्छेद 54-55 राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव प्रणाली संबंधित किसी प्रकार का संशोधन करने की बात आएगी तो वह इस प्रकार से तीसरे तरीके से होगा, विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। दूसरा है अनुच्छेद 73 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यहाँ है 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये दोनों भी इसी तरह से संशोधित होंगे क्योंकि यहाँ भी एक्सटेंशन की बात आती है, ये राज्य है, ये केंद्र है, ये स्टेट है, ये यूनियन है, इसके क्षेत्राधिकार में कहीं कुछ परिवर्तन करना होगा तो निश्चित रूप से यहाँ तीसरा प्रकार से, क्योंकि राज्यों का मामला भी आ रहा है, इस प्रकार संशोधन होगा। इसी प्रकार है 241 अनुच्छेद यूनियन टेरिटरी के लिए हाईकोर्ट, जैसे अलग अलग यूनियन टेरिटरी के लिए हाईकोर्ट होते हैं, राज्य से संलग्न होते हैं। अब केरल में हम जानते हैं केरल में लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है, इस तरह से पांडिचेरी में मद्रास चेन्नई हाईकोर्ट है, अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाईकोर्ट है। तो इस तरह से जो हम लोग बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए हाईकोर्ट की बात है, ये फिर भी फिर राज्य से जुड़ जाता है, इसलिए इसका संशोधन तीसरे प्रकार से होगा। राज्य के मामलों को देखना है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की बात हम लोग करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, भाग 5 अध्याय 4 सर्वोच्च न्यायालय है, भाग 6 अध्याय 5 हाईकोर्ट है, तो इनका संशोधन जो होगा यह तीसरे प्रकार से होगा। पुनः सातवीं अनुसूची के विषय, सातवीं अनुसूची में जानते हैं कि तीन विषय है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सारे अनुसूची, सातवीं अनुसूची में सारे जो लिस्ट है इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना होगा, घटाना बढ़ाना किसी प्रकार से होगा तो यह तीसरे प्रकार से करना है। जैसे आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया था, तो निश्चित रूप से यह इसी प्रकार से हुआ होगा, एग्जाम्पल भी दिमाग में रखना है। पुनः भाग 11 जिसमें केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है, विधायी संबंध इसका भी संशोधन यह तीसरे प्रकार से होगा। और आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 80-81 और चौथी अनुसूची जिसमें राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व होता है, जैसे 80 में राज्यसभा 81 में लोकसभा है, तो ये राज्यसभा में या लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होगा और राज्यों का किस प्रकार होगा कैसे होगा, चूंकि राज्य का मैटर फिर जुड़ गया इसलिए यह तीसरे प्रकार संशोधन यहाँ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है कि खुद अनुच्छेद 368 का संशोधन जब करना होगा तो फिर इसी प्रकार से होगा, अनुच्छेद 368 खुद इसमें संशोधन होता है तो यह तीसरी विधि से ही होगा। और पुनः रिवीजन करना चाहूंगा कि पहला प्रकार और ये तीसरा प्रकार को छोड़कर बाकी सारे प्रोविजन ये दूसरे विधि से संशोधित होंगे। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इस प्रकार से संशोधित होंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे हमें नहीं लगता है कि छूटेगा, कुछ प्रश्न भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ध्यान से आप देखेंगे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपका इस संबंधित कोई कमेंट होगा जरूर आप देंगे ताकि मैं और अधिक से अधिक कोशिश करूँ और ज़्यादा मेहनत करूँ, आपको ज़्यादा फायदा हो और आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट, फिर जो मैं क्वेश्चन पर डिस्कशन करना है। अब हम लोग संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे, आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे, पढ़ेंगे भी और ऑप्शन के साथ आप अनुमान लगाएंगे कि कौन सा आंसर होगा, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टेकन फ्रॉम द कंट्री ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी कनाडा, डी ब्रिटेन। तो हम लोगों ने पढ़ा था यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, नो कन्फ्यूजन। सेकेंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस विधि से संशोधित हो सकती है।
द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी एमेंडेड थ्रू ए साधारण बहुमत द्वारा, बी विशिष्ट बहुमत द्वारा, सी विशिष्ट बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में चूंकि लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबली तीनों भाग लेती है, चूंकि यह मैटर स्टेट का आ जाता है, इसलिए इसमें तीसरा जो संविधान संशोधन प्रक्रिया थी, पूर्ण बहुमत, विशिष्ट बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन वाला जो था तीसरा पार्ट, वो आंसर होगा। दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक कौन से सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था जनरल जो फैक्ट्स था, कॉमन फैक्ट्स, उसमें था कि कोई भी सदस्य किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है सरकारी सदस्य, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही प्रस्तुत करेंगे, गैर सरकारी सदस्य यह भी मैंडेटरी नहीं है, मंत्री यह भी मैंडेटरी नहीं है, तो सदन का कोई भी सदस्य इसको प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तभी हम लोगों ने चर्चा किया कि संविधान संशोधन विधेयक कैन बी प्रेजेंट इन एनी ऑफ द हाउस, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान का संशोधन किस विधि द्वारा किया जा सकता है, बाय विच मेथड सिटीजनशिप कैन बी एमेंडेड। तो साधारण बहुमत द्वारा, विशिष्ट बहुमत द्वारा, विशिष्ट बहुमत आधे राज्यों से अधिक अनुसमर्थन द्वारा, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 2, 3, 4, 5 से 11 नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, ये सिंपल मेजोरिटी से इसको अमेंड किया जा सकता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इसे सब विषय को भी याद रखना है कि कौन सा विषय किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा। तो पहला ऑप्शन है वह विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तावित किया जाएगा, दूसरा वह विधेयक उसी रूप में पास माना जाएगा, तीसरा संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन होगा, चौथा विधेयक समाप्त हो जाएगा, विल बी लैप्स्ड। आप लोगों ने पढ़ा था कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों हाउस से बिल का पास होना अनिवार्य है, तभी वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति के पास जाने कोई प्रश्न नहीं उठता है। दूसरा, दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, इसका मतलब वह विधेयक उसी रूप में पास नहीं होगा, और इसमें ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, अतः वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस भाग में की गई है। तो सिंपल है, भाग 20, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विषय का संशोधन भारत संसद नहीं कर सकती। आपको ध्यान रखना है, जब नहीं शब्द आए तो ऐसे आप जरूर परीक्षा हॉल में से लगा लेंगे, पेंसिल से लगा लेंगे, ताकि आप गलती ना करें, पेन स्लिप नहीं हो। तो किस विषय में संशोधन नहीं कर सकती, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग में पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। यहाँ जो था मूल ढांचा वाला कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी चेंज्ड, बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। तो मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, नीति निर्देशत्व का भी हो सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव तो होता ही होता है, और हमने पढ़ा था तीसरे तरीके से होगा, ये दोनों दूसरे तरीके से होगा। संसदीय प्रणाली की जो बात है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए संसदीय प्रणाली का संशोधन संसद नहीं कर सकती है। अगर इसको करना होगा तो फिर से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बुलाना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रावधानों का संशोधन भारत संसद कर सकती है, इस बार है कर सकती है, ठीक है। तो प्रयोग की जाने वाली भाषा, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, न्यायिक समीक्षा इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यह न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा का पार्ट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी मूल ढांचा का पार्ट है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ ये मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसको हम लोग संशोधन, है ना, हमारी संसद कर सकती है,
इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 120 में इसका प्रावधान किया गया है। आप लोग देखेंगे साधारण विधेयक के द्वारा ही, साधारण विधेयक के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित कर सकता है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस बाद में, किस केस में मूल ढांचे की संकल्पना आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना आई थी? तो हम लोग जानते हैं कि मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था 1973 ईस्वी में। इसको आप डेट भी याद रखेंगे, इसलिए आंसर इज सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किए गए? तो भारतीय संविधान 1950 में बनकर तैयार होता है, लागू हो जाता है 26 जनवरी को, और जस्ट अगले ही साल इसमें संशोधन होता है, 1951 में ही संशोधन होता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में हम लोगों ने प्रस्तावना चैप्टर में पढ़ा था कि अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, अखंडता, SSI, है ना। तो 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद विशेष बहुमत का तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष बहुमत का मतलब मैंने बताया था कि कुल सदन की संख्या का आधा, 50% प्लस ऑफ द, 50% प्लस ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ इरर हो जा रहा है, गोल नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा, सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इसको ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी विशेष बहुमत की बात आएगी आप इसको ध्यान रखेंगे। इस कन्फ्यूजन के लिए ऐसा दिया हुआ है, उपस्थित सदस्यों का आधे से अधिक, इससे कभी कभी गलती हो सकती है, सदन की कुल संख्या 2/3 ऐसे गलती हो सकती है, सावधानी रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न में सावधानी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन, क्रिएशन एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ से स्टार्ट होगा? हम जानते हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति तो संसद को है, लेकिन किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन करना, उत्सादन करना, क्रिएशन एंड एवोल्यूशन, ये उत्सादन है, उत्सादन इसको पढ़ेंगे आप, तो संबंधित राज्य की विधान सभा को यह अधिकार है। आर्टिकल 169 में इसका प्रोविजन है, आपको वीडियो में ऐसा बताया गया था। 15, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या निर्णय लेंगे? व्हाट डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर द अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेस? तो क्या करेंगे? जाहिर है कि इसमें राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, वह अपना पॉकेट वीटो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह इस पर दस्तखत करने के लिए बाध्य हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने 15 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और किसी प्रकार का अगर आपके मन में कोई बातें हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें, और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।